बाद बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, है ना? समारा हैप्पी बर्थडे कर दिशाला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे दिशा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है दिशा का बर्थडे और मैं जा रही हूँ केक का ऑर्डर देने के लिए और कुछ नाश्ते का सामान देने के लिए, क्योंकि शाम को सब घर पर आने वाले हैं। तो चलो बाय। सो मैंने केक का ऑर्डर दे दिया है और उन्हें फ़ोटो सेंड करा था, तो वो उसी के जैसा ही मेरा केक बनाने वाले हैं, तो मुझे इवनिंग में मिलेगा। सो मैं घर पर आ चुकी हूँ और नाश्ता वगैरह का तो मैं शाम को ही लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पर अभी। सो मम्मी ने बनाए हैं ये ब्रेकफास्ट, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं कैफे, फिर हम इवनिंग में आकर केक कट करेंगे। और दिशा भी रेडी हो रही है और मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, फिर हम थोड़ी देर से निकल जाएंगे। चलान, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और दिशा की फ्रेंड आ रही है, फिर हम लोग घर से निकल जाएंगे। सो दिशा की फ्रेंड घर पर आ चुकी है और केक लेकर आई है, और दिशा की चाइल्डहुड फ्रेंड है, मतलब बचपन से ही उसके साथ में पढ़ी थी, है चाइल्डहुड फ्रेंड है और अभी तक उनकी फ्रेंडशिप है, होप ऐसे ही बनी रहे हमेशा। और एक ही फ्रेंड है दिशा की जो हमेशा उसके बुलाने पर और हमेशा जब भी कुछ होता है तो वो हमेशा अवेलेबल रहती है आने के लिए। और दिशा के लिए वो छोटा सा गिफ्ट लेकर आई है, सिल्वर की रिंग लेकर आई है उसके लिए। दिशा की फ्रेंड ने उसका केक कट कर दिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं कैफे। बाय। कहीं जाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन सडनली हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग कैफे ही चले जाते हैं, घर पर आएंगे तो। सो फाइनली हम डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। इंदौर में तो इतने प्यारे प्यारे कैफ़े हैं और ये हमारे घर के पास में ही था, तो हमने ये वाला कैफ़े सेलेक्ट किया है और ये अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है फ्रेंडशिप डे पर। तो हम लोग कैफ़े पहुंच चुके हैं। सो बहुत ही प्यारा कैफ़े है और कैफ़े का नाम भी बहुत ही प्यारा है, सुकून कैफ़े। सो हम लोग इवनिंग से पहले ही आए थे, तो अभी लाइटिंग वगैरह प्रॉपरली चालू नहीं हुई है, लेकिन इवनिंग में यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है क्योंकि सारी लाइटिंग चालू हो जाती है। और जैसा कैफ़े का नाम है सुकून, यहाँ पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुकून भी फील हो रहा था, क्योंकि एकदम पीसफुल प्लेस थे यहाँ पर, ना कोई शोर ना किसी की आवाज़ की डिस्टरबेंस, एकदम सुकून फील हो रहा था। तो मैं आप लोगों को कैफ़े भी विज़िट करा देती हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और मोबाइल से स्कैन करके ऑर्डर करना था, तो हम लोग अभी मेन्यू देख रहे हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया है और फाइनली अब आ चुका है, और हमने ज़्यादा कुछ तो ऑर्डर नहीं किया क्योंकि फालतू वेस्ट हो जाता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में खा भी नहीं पाते। तो सब कुछ फिनिश हो चुका है और बिल भी आ चुका है, हम बिल करके नीचे जाने वाले हैं। इवनिंग में फैमिली के साथ भी बर्थडे सेलिब्रेट करना है और लाइटिंग वगैरह चालू हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को फिर से कैफ़े का लुक दिखा देती हूँ कि, और यहाँ पर कप भी रखा था डी और एस का, आई मीन दिशा और श्रुति का, तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। और अब हम जा रहे हैं नीचे कैफ़े साइड, वहाँ का लोकेशन भी बहुत ही प्यारा है और अभी लाइटिंग वगैरह सब चालू हो चुकी है प्रॉपरली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कैफ़े। और अब हम नीचे फ़ोटो सेशन के लिए जा रहे हैं, ऊपर तो हमने फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं और नीचे साइड भी वॉल पर बहुत ही प्यारे प्यारे थॉट्स लगे हुए थे और साइड में कैफ़े के स्विंग्स भी लगे हुए थे। सो हमने काफ़ी थोड़े टाइम में कैफ़े को बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया था और वहाँ पर स्विंग्स भी हमने काफ़ी थोड़े टाइम तक झूले थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। और मेरे पैर में लगी हुई थी, तो उसके बाद से तो मेरा कहीं जाना भी नहीं हो पाया था, तो मैं काफ़ी टाइम बाद बाहर गई थी, तो मैंने काफ़ी इंजॉय किया बाहर।
सो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। दिशा के फ्रेंड को ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद हम जाएंगे केक की शॉप पर। सो मैं आ चुकी हूँ केक की शॉप पर और मॉर्निंग में मैंने नाश्ते का सामान भी नहीं लिया था, तो अब मैं वो भी ले लूँगी और फिर हम लोग यहाँ से निकल के घर चले जाएँगे। सो मॉर्निंग में दूसरे भैया थे शॉप पर और अभी वो है नहीं, तो दूसरे भैया ढूंढ रहे हैं केक। और दिशा को बचपन से ही किट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने दिशा के लिए किट्टी वाला ही केक ऑर्डर किया था, तो दिशा को केक काफ़ी पसंद आया है। बस अभी नाश्ते का सामान लेना है और फिर हम जाएंगे घर। सो मैं घर पर आ चुकी हूँ गाइस, और मैं छोटा सा डेकोरेशन करने वाली हूँ क्योंकि हम लोगों को कहीं बाहर जाना है अभी इवनिंग में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बस जल्दी से हम लोग केक वगैरह कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखो समारे को कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, किसी का भी बर्थडे होता है ना तो सबसे पहले उसको एक्साइटमेंट होती है केक कट करने की। और मैंने फ्रीजर में केक रख दिया था क्योंकि केक ख़राब हो जाता ना, केक कट करने में टाइम था इसलिए फिर मैंने फ्रीजर में रख दिया था। और अभी देखो मेरा केक कितना प्यारा लग रहा है ना, किट्टी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और इन दोनों बच्चों को देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। समारा को जैसे ही केक दिखा वो हैप्पा हैप्पा करने लग गई, हैप्पी हैप्पी करने लग गई, तो समारा बहुत ही ज़्यादा खुश रहती। इतना सा छोटा सा बलून भी देख लेती ना तो उससे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो मम्मी यहाँ पर अभी टीका कर रही थी क्योंकि केक कट करेंगे इसलिए। और यहाँ पर देखो अज्जी लाड़ कर रही है दिशा का, क्योंकि अज्जी की लाड़की है वो, सबसे छोटी है ना इसीलिए। वैसे तो हमारे सारी फैमिली वाले सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे पापा भी आ चुके हैं, तो धीरे धीरे करके मेरी सारी फैमिली आ चुकी है ऊपर। और ये वहीनी चॉकलेट दे रही थी दिशा को, तो समारा ने चॉकलेट ले ली कि मैं दूंगी, तो वो अब दे ही नहीं रही, तो शायद मैंने उससे लेकर दे दी। तो समारा के लिए भी छोटी सी चॉकलेट लेकर आई थी वहीनी, क्योंकि वो रोती है ना इसीलिए। और अज्जी को देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया था इसलिए फिर पैसे देने आई। और ये है मेरे लखन भैया, मैं ब्लेसिंग दे रहे हैं। और देखो ये है मेरी सारी फैमिली, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। लखन में अपना फेस हाइड कर रहे हैं, तो देखो ये मेरी सारी फैमिली है। बर्थडे कितना भी बाहर सेलिब्रेट कर लो, लेकिन असली मज़ा फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करने में आता है। तो मैं अपने साइड से ज़्यादा कुछ तो नहीं दे पाई बर्थडे पे, लेकिन ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट दिशा के लिए। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दिशा। तो दिशा का केक तो कट चुका है, लेकिन सभी वन बाय वन केक खिला रहे हैं और एक एक करके दिशा के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। मेरे सारी फैमिली पता है बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है, इवन मेरी जो अज्जी है वो भी बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है, उन्हें भी फ़ोटो लेना साथ में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देखो समारा की मस्ती चल रही है, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ रही है, उसे केक के पास ही जाना है। देखो कैसे चिल्ला रही है, और देखो इतना चिल्लाने के बाद ऊपर जाके चश्मा लगा के फ़ोटो क्लिक कर रही है। और यहाँ पर मम्मी सभी के लिए नाश्ता लगा रही है और मेरे जो पापा है वो सभी को सर्व कर रहे हैं। मेरे पैर में लगी हुई है तो मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था उस दिन। तो हम मेरे पापा भी बहुत हेल्प करवा देते हैं हमारी, और मेरा पैर अभी प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, मुझे ज़्यादा चलने के लिए मना करा है, बट मैं फिर भी चल लेती हूँ। और आज मैंने गाड़ी ड्राइव करी थी, उस वजह से मेरा पैर काफ़ी दर्द भी कर रहा था। और इस हमारे को देखो समोसा खाना है, उसे समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो यहाँ पे देखो हमारी समायरा कैसे केक खा रही है, समायरा को केक काफ़ी पसंद है। सो गाइस मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो बाय बाय गाइज, कीप वॉचिंग।